चलिए अगले पांच मिनट का समय मिला है आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और सूरत चलते हैं। पहले आशीष नायक का सवाल है, यूपीएल 100 शेयर 750 की खरीद। प्रकाश सर क्या करूं, बस वहीं पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यूपीएल में जो करेक्शन था करेक्शन खत्म हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 680-700 के आसपास है, यहां से एक अपमूव शुरू हो सकता है, वो टारगेट करीब 850 तक ले जा सकता है, तो होल्ड करना ही चाहिए। BEL अगला काउंटर, लगातार स्टॉक ने प्रेशर झेला, ध्यान रखें। जयपुर से विनोद रावल साहब का सवाल है, 1000 शेयर है, 172 की बाइंग है, तो 35-36 रुपए इनकी बाइंग के नीचे। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन हमने पिछले दिनों में करेक्शन मूव देखा है, इसमें और भी थोड़ी करेक्टिव मूव बाकी है, शायद एक लेवल लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है 120-125 का। इन्होंने इतना होल्ड किया है तो वहां पर अगर चला जाता है तो वहां पर एड कर सकते हैं, वहां पर रिवर्स एवरेजिंग हो सकता है, जो रिवर्स एवरेजिंग करे वो 150 में बेचिए। जेपी इंफ्रा, लखनऊ से रईस अहमद साहब का सवाल, 2000 शेयर 17 की बाइंग है, एग्जिट नुकसान कभी कभी बुक लेना चाहिए, तो रुके ना सर। BHEL अहमदाबाद से संकेत का सवाल, 50 शेयर 101 रुपए के आसपास की बाइंग, मेरे ख्याल से अब थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, 100 के आसपास उनको जो कॉस्ट है वहां पर जरूर मिलेगा, वहां पर निकल सकते हैं। एक्सिस बैंक से मुझे लगता है जब भी अपमूव मिलेगा 550-560 का जब चला जाए वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अब लोअर लेवल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन पे दाव लगाया है जमशेदपुर के BN सिंह साहब ने, 500 शेयर खरीदे थे 45 के भाव पे, तो आधे से ज्यादा कैपिटल प्रकाश सर वाइप आउट हो गया है, क्या करूं? निकल जाना चाहिए, वाइप आउट तो हो ही गया है, इसमें स्टॉक में होना क्यों चाहिए मुझे पता नहीं आता। चलिए तो एग्जिट करें सर, रुके ना। लक्ष्मी विलास बैंक और इस पे विनय हिसार का सवाल है, 500 शेयर 95 की बाइंग, तो इनकी बाइंग से 3-4 रुपए नीचे, अब भी मौका है निकलने का, सिर्फ 4 रुपए ही नुकसान है, एग्जिट स्ट्रक्चर वीक है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 75 भी जोन दिखेगा, एग्जिट NOCIL। और इस पे चंडीगढ़ से अखिल कुमार वर्मा जी का सवाल, 4000 शेयर 212 की बाइंग, तो ये 221 ऑलमोस्ट 9 रुपए इनकी बाइंग के ऊपर, काफी हद तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अब इतने बढ़त के बाद शायद एक कंसोलिडेशन मोड में भी चल सकता है, साइडवेज मूव भी मिल सकता है, लेकिन ये बरकरार होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बेचने की जगह 230-250। ओके, होल्ड करें। यूनिटेक पर सवाल है पुणे से राजू वावल साहब का, राजू जी ने 50 शेयर खरीदे हैं, 7 रुपीज की बाइंग करी है, इस उम्मीद में कि शायद उछाल देखने को मिले, ये स्टॉक 6 रुपए हो गया, क्या करूं? अब सिर्फ 1 रुपए का नुकसान है, एग्जिट स्ट्रक्चर वीक है, इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए, पेनी स्टॉक्स नो। ओके, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कई लोग इसे TCI के नाम से जानते हैं, कोलकाता से सोनक दत्ता का सवाल है, 280 शेयर 311 की बाइंग, 30 रुपए का लॉस, थोड़ा ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा आपको मिलेगा 320 के आसपास, वहां पर निकल सकते हैं, है साइडवेज मोड पर, करेक्टिव मोड पर है, करेक्शन खत्म हुआ है, ऐसा आपको फिर शुरू हो सकता है। ओके, खरीदारी करें, अपनी औसत प्राइस को कम करें, यहाँ पे स्टॉक मजबूत नजर आता है तो आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाएगा। पेट्रोनेट LNG, जबलपुर से भूपेंद्र मिश्रा जी का सवाल, 104 शेयर 240 के आसपास की बाइंग, 250 का फिर एक मौका मिलेगा, 250-255 वहां पर जा सकता है, उम्मीद है वहां पर निकल सकते हैं, फिलहाल होल्ड कीजिए, हाँ अगर इनको स्टॉप लगाना है तो 225 का स्टॉप जरूरी है। ओके, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी दिग्गज पे IOC पर सवाल है, सूरत से सागर संगनानी साहब का, संगनानी साहब जानना चाहते हैं कि इन्होंने 2000 शेयरों की खरीदारी करी, 177 के लेवल्स पे बाइंग हो गई, स्टॉक अभी 164 के आसपास है, थोड़ा और भी गिरावट आ सकता है, बढ़िया स्टॉक लेकिन लोअर लेवल्स पे ऐड करना चाहिए, 140-150 जोन्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, अगर वहां आ जाता है तो ऐड कीजिए, अगर वहां पर नहीं आता है तो अच्छी बात है, अगर अपमूव मिलता है तो 190 और 200 के आसपास प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। फिलिप्स कार्बन, आशीष विदाले जी का सवाल है, लोकेशन नहीं मेंशन्ड है, सवाल है 2000 शेयर हैं 227 की बाइंग, तो 30-35 रुपए इनकी बाइंग के ऊपर है, प्रॉफिट में बैठे हैं, क्या करूं? होल्ड करना चाहिए, 200 जब 300 चला जाए 290-300 जोन्स वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बढ़िया स्टॉक है। चलिए, बढ़िया स्टॉक खरीदा है, कांग्रेचुलेशन सर। रांची से हुडको पे सवाल है और ये सवाल है समित कुमार का, इन्होंने 100 शेयर खरीदे थे 72 की बाइंग हुई, अब ये स्टॉक उनकी बाइंग से 4-5 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो निकल जाना चाहिए, लंबी अवधि मानू तो सिर्फ 3 रुपए का नुकसान है, होल्ड के लिए जब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तब तक लेना नहीं चाहिए, फिलहाल तो वीकनेस ही नजर आती है, फिर भी 3 रुपए का नुकसान है, निकल जाना चाहिए। टाटा स्टील, हरिद्वार से रुपेश का सवाल है, 50 शेयर 619-620 की बाइंग है, तो 20-25 रुपए नीचे आ गया सर, नथिंग टू वरी, मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 550 के आसपास थे, अब रिसेंट हमने बाउंस देखा है 560 के आसपास देखा है, अब मूव मिलेगा यहाँ पर, होल्ड करना चाहिए ए
और शायद एक करीब 650 टू 675 जा सकता है, वहां पर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड। बायोकॉन, पटना से विनोद का सवाल, 50 शेयर 640 की बाइंग, और आज तो स्ट्रेंथ नजर आ रही है सर स्टॉक में, क्या करूं? बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए, 600 में एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और बहुत अच्छा बेस भी बना हुआ है, मुझे लगता है 700 की तरफ भी जा सकता है, होल्ड करना चाहिए, इसमें अगर डिप्स मिलती है तो एक खरीदारी का मौका बनता है। जस्ट डायल, कानपुर से आरिफ शेख साहब ने कहा है उन्होंने खरीद लिए, 210 शेयर खरीदे हैं, 472 के लेवल्स पर, 25 रुपए नीचे चल रहा है, थोड़ा मूव मिल सकता है, जो इनकी कॉस्ट है 500-510 के आसपास है, 500-510 का एक मौका मिलेगा निकलने का, वहां पर निकल सकते हैं। अब साइडवेज जोन पर है, इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, अब कॉन्ट्रेक्शन हुआ है फिर एक एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन का एडवांटेज लेकर निकल जाइएगा, निकल जाने के मौके ढूंढें जब भी उछाल आए स्टॉक में। चलिए स्टॉक्स फटाफट में आज के लिए इतना ही, तमाम जो क्वेरीज आपने पूछी थी सॉल्व करने की जल्दी जल्दी हमने करी थी।